हाय फ्रेंड, चलिए आज हम ये थाल पोच बनाएंगे। हम टिक्की बना के थाल पोच बनाएंगे। तो ये डिजाइन देखिए कैसा लग रहा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा डिजाइन कैसा लगा। ये हम 7 टिक्की का बनाए हैं। हम आपको बता देंगे, इसमें लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा कि इसके बाद हम कैसे बना सकते हैं, वो भी हम बता दिए हैं। आप चाहे तो इस पर और 12 टिक्की लगा के 19 टिक्की का बना सकते हैं। इसे बनाने में हम 4 नंबर का क्रोशिया यूज़ किए हैं और 4 प्लाई के उलन से हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा 100 ग्राम तक उलन लग गया है, थोड़ा सा कम लगा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गाँठे लगा ले रहे हैं और उसके बाद से चेन कर लेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 एक और कर लेंगे, 6 चेन कर लेंगे और फिर फर्स्ट वाले में हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे पहले वाले में ज्वाइंट करके हम बांध लेंगे और उसके बाद फिर चेन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन करेंगे हम। 7 चेन ऐसे करके और जो ये बनाए हैं इसमें ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर ऐसे बांध लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7 चेन कर लेंगे और फिर सेम होल में ही फिर से हम बांध लेंगे ऐसे। फिर उसके बाद से फिर से बनाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7 चेन और फिर इसमें, तो ऐसा हम 6 बनाएंगे राउंड में। तो 6 बना कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हम राउंड में 6 बना लिए, 1 2 3 4 5 6 बना लिए और ये पहले वाले में हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और उसके बाद से फिर यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे चेन। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन कर लेंगे। फिर इसमें हम जो 7 चेन का बनाए हैं इसमें ही हमें ज्वाइंट करना है ऐसे। तो ऐसे ही हम एक बना लिए, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन, फिर यहीं पे हम फिर से हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे। इस पे 2 हो गया, एक और इस पे बनाएंगे 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन, फिर सेम होल में ही फिर से बना लेंगे। तो जो 1 7 चेन का बनाया है उस पे 3 बनेगा ऐसे, 1 2 3 5 5 चेन का ऐसे 3 बनेगा और उसके बाद फिर दूसरे वाले में हम ऐसे चले जाएंगे डायरेक्ट ऐसे। अब यहाँ पर भी फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन, फिर सेम जगह पे ही फिर से बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन, फिर सेम जगह पे और उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन, फिर सेम जगह पे। तो 3 इसमें भी बना लिए ये देखिए। फिर डायरेक्ट फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे ये वाले में दूसरे वाले चेन में, फिर से ऐसे लेके फिर बांध लेंगे। बांध के फिर से 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन करेंगे, फिर बांध लेंगे। तो सेम ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ 5 एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे, तीन तीन जैसे तीन तीन एक में बना रहेंगे। ये पूरे में हम ऐसे बना ले रहे हैं। देखिए हम राउंड में पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, पूरा 6 पे बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पे पूरा हम बना लिए हैं ये 3 3 इसके ऊपर। अब ये जो पहला है उसमें हमें ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे और यहाँ ज्वाइंट करके हम कट कर लेंगे ये। तो ये बनने के बाद से अब हम इस पर ये जो बनाए हैं 3 3 ये 7 7 चेन किए हैं उसके ऊपर 3 3 5 क्रोशे ये बनाए हैं 5 5 चेन का। तो इसके मिडिल में बनाना है हमें, जैसे ये 3 है तीनों के बीच पर हमें ऐसे बनाना है। तो ये लेके हम बांध लेते हैं और इसके मिडिल में हम ऐसे बनाएंगे, बांध लेंगे और इसे हम 1 2 3 3 चेन करेंगे। 3 चेन करके डबल फंदे लेंगे हम और ऐसे 1 2 3 दो डबल ट्रिपल क्रोशे हुए, फिर डबल फंदे लेंगे और फिर एक और यहाँ पर बना लेंगे हम ऐसे। अब बीच में आप चेन कर लेंगे हम फिर से, ये 3 ट्रिपल क्रोशे बनना है उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन कर लेंगे, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर सेम होल में ही फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे एक पास फिर बना लेंगे ऐसे। दो और यहाँ पे 2 फिर एक और यहाँ पर बनेगा 3 3 ऐसे बन गया और उसके बाद से हम फिर डायरेक्ट डबल फंदे लेंगे और फिर ये दूसरा वाला है जो
ये थ्री दिख रहा, तो इसके मिडिल वाले पे हम बनाएंगे। तो यहाँ से ये दो छूट जाएगा, देखिए ये फाइव चेन का, ये फाइव चेन का, दो छूट गया इसके, ये इस पे बनेगा अब। तो हर एक में का ये मिडिल में ही हम बनाएंगे पूरा। तो अभी इसके मिडिल में बना लेते हैं डायरेक्ट यहाँ जाके, और ऐसे। तो एक दो तीन, थ्री बना लेंगे, फिर सेवन चेन करेंगे हम यहाँ पे, थ्री बना के उसके बाद से। तो ये बना के उसके बाद हम यहाँ पे सेवन चेन फिर कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन चेन। फिर डबल फंदे लेंगे, फिर सेम जगह पे तीन ट्रिपल क्रोशे एक पास फिर से बना लेंगे हम ऐसे। तो ऐसे ही पूरे पे बनेगा राउंड में, जितना बीच बीच में है वो सब पर बनेगा। फिर यहाँ पर बना लेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट फंदे लेंगे, और फिर इसके ये वाला, ये जो है इसके ऊपर ये तीन बनाए हैं, तो इसके बीच वाले पर बनेगा। फिर जैसे एक दो ये छूटेगा, तीसरा पर बनेगा ऐसे। ऐसे भी काम कर सकते हैं कि दो छोड़ देंगे, उसके बाद तीसरा बनाएंगे। देखिए जैसे ये एक दो, ये दो छूटा है, तीसरा पर बनाए हैं। फिर यहाँ पर ये एक और ये दो छूट गया, तीसरा पर बनाए हैं। ऐसे भी काम कर सकते हैं, या तो ये जो सेवन चेन का किए हैं इसके ऊपर तीन तीन बनाए हैं, तो इसके मिडिल वाले पर बनाएंगे हम ऐसे। तो यहाँ पर बना लेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो ऐसे ही राउंड पूरा कम्प्लीट करेंगे बना के हम। तो देखिए हम पूरा राउंड ये कम्प्लीट कर लिए हैं, और फिर पहले वाले में ऐसे ला कर ज्वाइंट कर लिए हैं, ज्वाइंट करके कट कर लिए हैं। और हम बीच में बता चुके हैं ये दो दो छोट छोट के, या तो इसके मिडिल में काउंट कर सकते हैं, मिडिल में हम बनाए हैं पूरा। तो ऐसे पूरा बना लिए हैं हम। अब उसके बाद से हम फिर से येलो कलर सब बनाएंगे यहाँ पे। ये जो सेवन सेवन चेन किए हैं इसमें बनाना है, तो बांध के हम यहाँ भी ट्रिपल क्रोशे ही बनाएंगे। तो एक दो तीन चेन कर लेते हैं, डबल फंदे लेंगे, और यहाँ पर पहले एक दो तीन, फिर डबल फंदे, फिर एक दो तीन, फिर डबल फंदे, फिर एक दो तीन। हम ऐसे फोर बना लिए, एक और बना लेते हैं यहाँ पे फाइव ट्रिपल क्रोशे हम यहाँ बना लेंगे पहले। उसके बाद से हम यहाँ पर एक दो दो चेन कर रहे हैं, फिर डबल फंदे लेंगे, और ऐसे फिर से फाइव ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे हम यहाँ पे। फाइव ट्रिपल क्रोशे बना रहे हैं, आपको चाहिए तो सिक्स ट्रिपल क्रोशे भी बना सकते हैं। ये वैसे दो तीन चार एक पाँच, फाइव ट्रिपल क्रोशिया फिर से बना लिए हम। तो इधर फाइव ट्रिपल क्रोशिया, फिर इधर फाइव ट्रिपल क्रोशिया, बीच में दो चेन कर लिए हैं हम। अब यहाँ पर हम फिर एक दो तीन चेन करेंगे, तीन चेन करके ये दोनों के बीच में जो है ये जगह यहाँ पे हम ऐसे ऐसे करके जॉइंट कर लेंगे। फिर से एक दो तीन चेन करेंगे, तीन चेन करके फिर डबल फंदे लेंगे, और ये जो सेवन चेन का किए हैं इसमें अब हम बनाएंगे फिर से सेम जैसा बनाए हैं वैसा। ऐसे एक दो तीन चार पाँच, फाइव फिर बना लेंगे हम ट्रिपल क्रोशिया, और उसके बाद से फिर दो चेन कर लेंगे यहाँ पे, एक दो दो चेन, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर फाइव ट्रिपल क्रोशिया फिर से बना लेंगे हम यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच, फिर से फाइव ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके बाद से फिर से एक दो तीन चेन, फिर थ्री चेन करेंगे, फिर यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे हम ऐसे। फिर एक दो तीन चेन, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर इसमें बनाना चालू करेंगे ये जो सेवन चेन का किए हैं ऐसे। तो ऐसे ही बनेगा, इधर फाइव ट्रिपल क्रोशिया, इधर फाइव ट्रिपल क्रोशिया, बीच में दो चेन कर रहे हैं, और यहाँ से ये नीचे ज्वाइंट जहाँ कर रहे हैं यहाँ पे तीन तीन चेन कर रहे हैं, तीन चेन करके ज्वाइंट कर रहे हैं, फिर तीन चेन बना रहे हैं। तो ऐसे ही पूरा राउंड हम कम्प्लीट करेंगे बना के। तो देखिए पूरा राउंड हमने ऐसे कम्प्लीट कर लिया है बना के, और इसमें हम ज्वाइंट कर लिए हैं, फर्स्ट वन में हम ज्वाइंट करके कट कर लिए हैं इसे। अब इसके बाद से फिर ग्रीन कलर से हम बनाएंगे इसके ऊपर। तो अब यहाँ ग्रीन कलर से बनाने के, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद से अब हम ये ग्रीन कलर से ऐसे बनाएंगे, और ये कहीं से भी स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पहला ये छोड़ के यहाँ पर बनाएंगे ऐसे, बांध लेंगे, और एक दो चेन, फिर ये दो छोड़ के हम यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक दो चेन, फिर ये दो छोड़ के यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर हम एक दो तीन चेन कर लेंगे, थ्री चेन कर लेंगे यहाँ, फिर सेम जगह पे ही ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे हम सेम होल में ही।
फिर एक दो चेन और ये दो छोड़ के यहाँ जॉइंट करेंगे, फिर एक दो चेन, फिर ये दो छोड़ के यहाँ पर, और फिर एक दो चेन और फिर यहाँ पर ऐसे, फिर एक दो चेन, तीन चेन, तीन चेन यहाँ, जैसे यहाँ तीन चेन बनाए, थ्री चेन यहाँ बनाए, वैसे थ्री चेन यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पर हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक दो चेन, फिर एक छोड़ के, फिर एक दो चेन, फिर दो छोड़ के, फिर एक दो चेन, फिर यहाँ पर, अब यहाँ पे फिर तीन चेन कर लेंगे, एक दो तीन चेन, फिर सेम जगह पे फिर से, फिर एक दो चेन, फिर ये दो छोड़ेंगे, फिर एक दो चेन, फिर ये दो छोड़ेंगे, फिर एक दो चेन और फिर यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे चेन पे, और फिर थ्री चेन बना लेंगे, यहाँ एक दो तीन, फिर यहाँ ज्वाइंट करेंगे, तो सेम ऐसे ही बनेगा, फिर दो दो चेन करके जैसे इधर बनाया ऐसे बनेगा, और ये मिडिल मिडिल में थ्री चेन और यहाँ पे मिडिल में थ्री चेन, तो कंप्लीट करते हैं राउंड हम, तो राउंड में पूरा हम बना के और यहाँ पे ज्वाइंट कर ले रहे हैं हम। अब इसे का कट करके निकाल लेंगे हम। अब इसके बाद से हम दूसरा टिके बनाएंगे और इस पर ज्वाइंट करेंगे हम, तो फिर सेम ऐसे ही बनाएंगे हम, एक दो और ये दो छोड़ के, फिर एक दो, फिर यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक चेन करेंगे और ज्वाइंट करेंगे हम, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज्वाइंट करना, तो पहला हम ऐसे लेंगे और यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक चेन करेंगे और फिर सेम होल में ही फिर से ज्वाइंट कर लेंगे, फिर यहाँ पर दो चेन और ये दो छोड़ के ऐसे, फिर दो चेन, फिर ये दो छोड़ के, और फिर यहाँ पर दो चेन और एक छोड़ के यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद से एक चेन करेंगे और ये मिडिल वाले पे हमें ज्वाइंट करना है, तो ऐसे लेके और ये मिडिल वाले पे हम ज्वाइंट कर ले रहे हैं, फिर एक चेन करेंगे और फिर इधर हम ज्वाइंट कर लेंगे, फिर दो चेन, फिर यहाँ पर, फिर एक दो चेन, फिर ये दो छोड़ के यहाँ पर, और फिर दो चेन, फिर यहाँ मिडिल में आ जाएंगे और यहाँ पर एक एक चेन करके और हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे, तो ऐसे लेके फिर हम यहाँ पर तीन चेन का जो बनाए हैं इसमें ज्वाइंट करना है हमें मिडिल पे, तो ऐसे बना लेंगे यहाँ पर, फिर एक चेन और फिर नीचे, फिर उसके बाद से दो चेन करेंगे, फिर दो छोड़ के यहाँ, और फिर दो चेन, फिर ये दो छोड़ के बनाएंगे, और फिर यहाँ पर एक दो तीन चेन और फिर यहाँ पर बांध लेंगे, और फिर से दो चेन करेंगे, फिर एक छोड़ के, फिर दो छोड़ के, ऐसे बनाना है जैसे इधर बनाए हैं, तो ऐसे राउंड पूरा कंप्लीट होगा, तो हम कंप्लीट कर ले रहे हैं बना के। तो देखिए ये हम दोनों इसमें दो टिक्की ज्वाइंट हो गया है, इसे हम ऐसे करके एक टिक्की राउंड कर लिए हैं, तो दो टिक्की हो गया है इसमें। अब यहाँ पर तीसरा टिक्की ज्वाइंट करने के लिए हमें इसमें फाइव जॉइंट पड़ेंगे, तो एक दो तीन चार पाँच, फाइव जॉइंट पड़ेगा, तो पहला जॉइंट यहाँ पे हम करेंगे, तो ये बना लिए हैं, एक चेन कर लिए हैं, अब यहाँ ज्वाइंट कर लेते हैं, पहले ऐसे लेके हम यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे पहला, फिर एक चेन करेंगे, फिर सेम जगह पे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक दो चेन, फिर यहाँ दो छोड़ के, फिर एक दो चेन, फिर यहाँ दो छोड़ के, फिर एक दो चेन, फिर यहाँ एक छोड़ के इस चेन में हम ज्वाइंट करेंगे, और यहाँ पर एक चेन करके इधर का चेन वाला जो मिडिल में है यहाँ पे ज्वाइंट करना है हमें, तो ऐसे उल्टा ले लेंगे हम, और फिर यहाँ पे बीच में हम ऐसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं, फिर एक चेन, फिर ऐसे, फिर एक दो चेन, फिर ऐसे दो चेन, फिर दो छोड़ेंगे, फिर यहाँ, फिर एक दो चेन, फिर यहाँ, फिर एक चेन करेंगे, और ये मिडिल में दोनों जो जॉइंट है उस पर ज्वाइंट करना है हमें, ये दोनों जॉइंट के बीच में, तो ऐसे लेंगे और यहाँ पे हम ऐसे, ये दोनों जॉइंट है तो यहाँ पे बीच में ऐसे लेके हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर एक चेन और फिर यहाँ पे, फिर दो चेन, फिर ये दो छोड़ के,
फिर दो चेन, फिर ये दो छोड़ के और फिर दो चेन और यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर एक दो सॉरी एक चेन यहाँ पे एक चेन करके और ये मिडिल में ज्वाइंट करना है, तो यहाँ मिडिल में हम यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे ऐसे और फिर एक चेन करेंगे और दूसरे साइड ये चेन में हम ऐसे बांध लेंगे। फिर एक दो चेन, फिर सेम वही एक छोड़ के, फिर दो चेन, फिर दो छोड़ के, फिर एक दो चेन, फिर यहाँ पे दो छोड़ के यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर एक चेन करेंगे और इधर का फोर जगह ज्वाइंट कर ली है, पांचवा जगह और ज्वाइंट करना है हमें, तो यहाँ पे ज्वाइंट पड़ेगा। अब तो ऐसे लेके हम यहाँ ज्वाइंट कर ले रहे हैं, फिर एक चेन और फिर सेम जगह पे हमने ज्वाइंट कर लेंगे। फिर एक दो चेन, फिर एक छोड़ के, फिर दो चेन, फिर यहाँ पे सॉरी ऐसे एक चेन करके और यहाँ पे दो छोड़ना होगा हमें, जैसे छोड़ते आए हैं दो चेन, फिर यहाँ दो छोड़ देंगे, फिर एक दो चेन, फिर दो छोड़ेंगे और इधर साइड एक छूटेगा तो फिर दो चेन, फिर यहाँ फिर एक दो तीन चेन, फिर यहाँ फिर एक दो चेन, फिर यहाँ एक छोड़ के और फिर दो 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 छोड़ छोड़ के फिर बनाएंगे हम ऐसे यहाँ पर, फिर एक दो तीन चेन, तो ऐसे ही बनेगा। तो हम कंप्लीट करते हैं इधर तक। तो देखिए हमने तीनों टिक्की ज्वाइंट कर लिया है इधर। अब उसके बाद से और हम बनाएंगे इसमें और ज्वाइंट करते जाएंगे, तो इसमें सेम ऐसे ही ज्वाइंट होगा। फिर यहाँ से चालू करेंगे और ऐसे बनाएंगे, फिर यहाँ से चालू करेंगे ऐसे बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं और उसके बाद से दिखा देते हैं और बता देते हैं। ये पूरे राउंड में हमने ये बना लिया है पूरा। हम इसमें 6 टिक्की ज्वाइंट किए हैं, 7 टिक्की यहाँ पे ज्वाइंट होगा, मिडिल में एक है और इधर से 5 टिक्की है। अब यहाँ ज्वाइंट करने के लिए हम इस पर हमें ज्वाइंट पड़ेगा, तो यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात 7 ज्वाइंट पड़ेगा यहाँ पे। तो ज्वाइंट करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे एक चेन करके और ये ज्वाइंट कर लेंगे हम ऐसे, फिर एक चेन करेंगे, फिर सेम होल में फिर से ज्वाइंट कर लेंगे, फिर उसके बाद से दो दो चेन करके जैसे बनाए हैं सेम ऐसे बनाएंगे ये, और फिर से दो चेन करेंगे और इस चेन में बना लेंगे, फिर से एक चेन करके और इसके सामने वाले में ये यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम पूरे पे ऐसे ज्वाइंट कर ले रहे हैं। अब यहाँ फिर से हम ज्वाइंट कर ले रहे हैं और उसके बाद से फिर एक चेन करेंगे और फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर दो चेन करेंगे यहाँ पे, फिर एक दो चेन, फिर दो छोड़ के और फिर दो चेन, फिर यहाँ और एक चेन करके हम इधर साइड का इसमें ज्वाइंट कर लेंगे, इधर का ये है यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे हम, तो ऐसे लेके इसमें ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर एक चेन करेंगे, फिर इसमें बांधेंगे। तो यहाँ तक ये ज्वाइंट होगा तो हम कर ले रहे हैं इधर से हम पूरा, इसके सामने का ये, इसके सामने से ये, फिर इसके सामने ये, फिर यहाँ से ये, तो हम यहाँ तक बना ले रहे हैं, यहाँ तक बना के और उसके बाद से पूरा यहाँ तक फिर सेम जैसे ये सब बना है ऐसे बनेगा। तो हम यहाँ तक ये बना लेंगे, उसके बाद फिर ऐसे सेम ऐसे बना के फिर यहाँ तक हम बना के ज्वाइंट करके कट कर लेंगे इधर बना के, तब दिखा रहे आगे हम। तो देखिए हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद से अब हम इसमें झालर लगाएंगे। आपको और बड़ा ये करना हो तो इसके ऊपर और भी टिक्की आप लगा सकते हैं, जैसे ये दोनों को पहले ज्वाइंट करेंगे इधर ऐसे करके और उसके बाद से ऐसे यहाँ दो पर ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद इधर ज्वाइंट करते जाएंगे हम। जैसे इसमें ज्वाइंट करना स्टार्ट किए थे सेम वैसे ही यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो बनाते जाएंगे पूरा 19 टिक्की का बना सकते हैं। इसके ऊपर 12 टिक्की आएगा, 12 टिक्की इसके ऊपर आएगा, तो आप करके और बना सकते हैं बड़ा। अब हम इतने ही पे इसे एंड करते हैं और यहाँ से हम झालर लगाने को बताएंगे। तो हम पफ स्टिच में फ्लावर बनाते जाएंगे। इसमें आपको चाहिए तो दो चार स्टेप्स आप चेन स्टिच करके और उसमें से जो भी कलर पसंद हो उस कलर का आप झालर लगा सकते हैं। तो हम इसमें चेन स्टिच करते जाते हैं और उसमें पफ बनाते जाते हैं।
से भी स्टार्ट करेंगे। हम ये बीच में जो थ्री थ्री चेन का बनाए हैं इसमें बांध के इसी में बना रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, हम सेवन चेन कर रहे हैं। आपको और लंबा करना हो तो और लंबा कर सकते हैं। इसे एक दो तीन चार पाँच, या आपको और मोटा करना हो तो और कर सकते हैं। फिर इसके अंदर से निकालेंगे, बांध लेंगे और इस चेन को इसके ऊपर चढ़ा के हम ऐसे बांध लेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन चेन, और फिर ये मिडिल में, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन चेन, फिर से पफ बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच, फिर इसके अंदर से निकाल लेंगे, बांध लेंगे, फिर इसके ऊपर चढ़ाएंगे, फिर बांध लेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन चेन, और फिर यहाँ पे, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर सेवन चेन करेंगे और फिर बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। जो तीन तीन चेन का हम बनाए हैं उसी उसी पर हम बांध रहे हैं। ये आपको चाहिए तो और पास पास भी ये कर सकते हैं, आपको जितना दूरी पसंद हो आप कर सकते हैं। तो हम इसे राउंड पूरा कंप्लीट करते हैं बना के, फिर आगे दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने चारों तरफ से ये बना लिया है। ये डिजाइन कैसा लगा जरूर बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा कि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।